दोस्तों एक जो है बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है आईपीएल 2019 से और प्लेऑफ से ठीक पहले जो है दिल्ली कैपिटल्स को सबसे बड़ा झटका लग चुका है, जो उनके मेन स्ट्राइक गेंदबाज थे और ये साल के आईपीएल में पर्पल कैप जिस खिलाड़ी के सर पे विराजमान थी कगिसो रबाडा, वो दोस्तों दुर्भाग्यवश आईपीएल 2019 से पूरी तरीके से बाहर हो चुके हैं और वो जो है आगे के मुकाबले नहीं खेल पाएंगे। तो क्या है पूरा माजरा, इस वीडियो में आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों वीडियो को जो है एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब बात करते हैं माजरे की। तो दोस्तों जो कगिसो रबाडा है वो दोस्तों उनको इंजरी हुआ है आईपीएल के बीच में, मतलब कि जो रबाडा थे उनको जो है बैक निगल यानी कि बैक इंजरी हुई है और जो बीसीसीआई है और जो अफ्रीका है वो दोस्तों रबाडा के ऊपर कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता है, क्योंकि अभी जो है थोड़े समय के बाद वर्ल्ड कप 2019 आने वाला है। तो ऐसे में जो है कगिसो रबाडा दुर्भाग्यवश अभी से आने वाले आईपीएल के एक भी मैचेस नहीं खेल पाएंगे और ये जो है दिल्ली कैपिटल्स को सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि जो रबाडा थे वो दिल्ली को एक मैच विनर खिलाड़ी के रूप में साबित हुए थे ये साल के आईपीएल में। सबसे ज़्यादा विकेट रबाडा के नाम पर है, रबाडा जो है स्टार्टिंग में डेथ में हर जगह पे जो है दिल्ली को विकेट लेके देते थे। तो अभी देखते हैं कि दिल्ली की टीम रबाडा के बिना जीतती है कि नहीं जीतती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन खबर तो यही है कि जो कगिसो रबाडा है वो आईपीएल 2019 के बाकी के बचे हुए मुकाबले से दुर्भाग्यवश बाहर हो चुके हैं, उनको जो है बैक निगल बैक इंजरी हुआ है। दोस्तों रबाडा के बदले में जो है क्रिस मॉरिस खेलते हुए दिखाई दिए थे चेन्नई के सामने, लेकिन जो रबाडा का फैक्टर था, जो रबाडा का इम्पैक्ट था वो बहुत ही अलग था। रबाडा जो है बहुत ही कम समय में अपना बहुत ही बड़ा रुतबा वर्ल्ड क्रिकेट में और आईपीएल में झोंक दिया था, लेकिन यहाँ पे जो है देखने वाली बात होगी कि वो वर्ल्ड कप से पहले फिट होते हैं कि नहीं, क्योंकि रबाडा जो है अफ्रीका के लिए वर्ल्ड कप में एक मेन स्ट्राइक गेंदबाज के रूप में साबित होने वाले हैं। दोस्तों आगे जो है कोई भी खबर आती है तो मैं आप सभी को बता दूंगा वीडियो बना के। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए।